बसमिल नाजरीन सामीन कराम प्रोग्राम याद अलाही देखने के लिए याद अला के सबका तमाम प्रोग्राम्स देखने के लिए बिलखसूस वज़ाइफ देखने सुनने जानने और पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल याद अला यानी वाई डबल एडी स्पेस ए डी स्पेस ई स्पेस आई एल एच आई यूट्यूब चैनल याद इलाही को सब्सक्राइब भी कीजिए लाइक भी कीजिए कमेंट्स भी कीजिए ताकि याद इलाही के मुख्त्य प्रोग्राम्स और वज़ाइफ से आप मुकम्मल रहनुमाई हासिल कर सकें जिनसाम जी प्रोग्राम याद इलाही में रोज़ाना अजीम हस्तियों के तस्कार पा किए जाते हैं और इसके साथ साथ कुछ ऐसे मौजूद पर गुफगु होती है जिनसे आपको रहनुमाई हासिल होती है आज एक अजीम सूफ़ी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा सूफ़ी अहमदुद्दीन नागोरी अम्मा आपके तस्कार खैर होंगे इससे पहले किताब शफ़ा से आज का ख़ास वजीफा दुआओं की कबूलीत का वजीफा सईदा अमीर हमज़ा रदी नबी करीमल वा के चचा जान वाली बतहामिर तैयबा आप फरमाते हैं कि मुझे रसूल सल्स व्मा ने फरमाया चा जान दुआ करने से पहले आप ये कलिमात पढ़ लिया करें तो अल्लाह तीआ को कबूल फरमाएगा नबी करीम सली वम ने अपने प्यारे चचा जहाँ सईद नामी सरदी को ये क़लीमात इरशाद फरमाए और अलमोर क़बीर जमालकबीर लिताबारानी इमाम तबारानी की हदीस मुबारक की किताब अलमोरजम्लकबीर में ये हदीस मुबारक मौजूद है रकमलहदीस दो हज़ार नौ सौ उनसठ यानी दो हज़ार नौ सौ उनसठ हदीसी मुबारक़ा का नंबर है अब वह कलीमात क्या हैं कि जो दुआ मांगने से पहले अल्लाह की बारगाह में अल्तजा करने से पहले पढ़ लिया जाए तो अल्लाह ताला दुआएं कबूल फ़रमाता है वो कलीमात और तज़मा आप समात फरमा लें असअलू का बसम कलआम अल्लमान असअलूका बसम कल आओम वरिदवा निकल अकबर अल्लाम का बसमिकलआमी वरिदवानिकल अखबारा وقف करेंगे तो वरदवानिकल अकबर अल्लाह मैं तेरे इसम आज़म और सबसे बड़ी रजा के वसीले से तुझसे सवाल करता हूँ तुझसे मांगता हूँ तो अल्लाह ताला के तस्म आज़म और अल्लाह ताला की जो सबसे बड़ी रजा है उसके वसीले से जब दुआ की जाएगी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वल्लम के फरमान के मुताबिक इन वो दुआ कबूल होगी इसके साथ दुआओं के कबूलियत का एक और वजीफ़ा यह है कि पीर की शब को यानी आतवार के बाद जो शब आती है पीर की शब इसको गुसल करके आसमान की तरफ मुँह करके ऊपर की जानबासमान की तरफ मुँह उठाकर एक सौ इकतालीस मरतबा इसमें तबारक या मताली या मताली पढ़ कर जो दुआ मांगी जाए इन शोक होगी तो ये दो वजीफ़े हैं दुआओं के कबूलीत के और दरुद पाक भी जिस दुआ के अवल और आखिर में पढ़ा जाए वो भी इन शबूल होती है तो इन चीज़ों को आप आ, दुआ के वक्त जहाँ दीगर लवाजमात हैं रस्क़ हलाल सिद्क़ मकाल पाकिजगी और दिल की कामिल तोज् के साथ गिड़ गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करना वहीं ये दो तीन वजीफ़े जो हैं इनको भी आप अपने मामूल में शामिल कर सकते हैं अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हुए पढ़िए भी दुआ भी मांगिए अपने लिए मेरे लिए तमाम उम्म मुसलिम के लिए अपने घर वालों के लिए सभी के लिए दुआ मांगिए इन दुआ कबूल फरमाएगा आप अपने मामूल का हिस्सा बनाइए और आदो वज़ाइफ़ में शामिल कीजिए ये वजीफ़ा अपने आयजा अरेबा रिश्तेदार दोस्त अहबाब पड़ोसी महलदार उम्मत मुस्लिम तक पहुँचाइए मेरे आपके हमारे बताने से अगर हमारे किसी एक भी मुसलमान भाई मुसलमान बहन मुसलमान फ़र्द का फ़ायदा होता है तो इन शाह ये हमारे लिए दिनों दुनिया आख़रत में भलाई फ़ायदे निजात और शिफा का बायस होगा अल्लाह सुबह नमें आसानियारमाए हमें आसानियाँ बाँटने वाला बनाए मुश्किल से हमारी हिफाजत फरमाए आमी दिन अजरत ख्वाजा सूफ़ी हमीदुद्दीन नागोरी रहा तप सुल्तान तारकिन भी कहलाए जाते हैं कुवतलवासिलसफ़िया ताजलौलिया और तारिक दुनिया और सूफ़ी ये आपके अलबात में से चंद एक अलबात हैं हकीकत ये है कि कुरान मजीद फ़ुरान हमीद में इस दुनिया की बेसबाती का तस्करा मौजूद है कुल दुनिया इल्ला कलील कुल दुनिया इल्ला गुरूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुक़द्दस से ये इरशाद फरमा दिया यानी ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का हिस्सा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ये वही ख़ास सारी वही आप ही के वसीले से हम तक पहुँची है लेकिन बिलखसूस लफ्ज़ कुल के साथ कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तमाम इंसानियत से तमाम लोगों से बिलखसूस कुरान मज़िफ़ फ़न हमीद के मुखातिबीन ईमान वाले हैं और सबसे पहले मुखातिब साहबाई किराम हैं उनके वसीले से सारी उम्मत मुस्लिम और क़ुरान का मौज़ू इंसान है तो मुखातिब भी इंसान है अगरचे इस क़ुरान मजिफ़न हमीद को कमा हकू हो समझने वाले पढ़ने वाले और बर रास् नबी करीम सलील्ल वम से इसकी तालीम लेने वाले और इस पर सबसे ज़्यादा अमल करने वाले अल्लाह के हबीब सलीलम के बाद साहब किराम नाम रिदवान मजमाइन ही हैं तो सभी इंसानियत के लिए तमाम ईमान वालों के लिए बिलखसूस ये फ़रमाया जा रहा है एबीब सल वम माजरत नाजिन वसाम ये फ़रमाया जा रहा है ए हबीब मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमा दीजिए कि बेशक दुनिया का सामान दुनिया की मत दुनिया का सब कुछ माल और दौलत हर हर चीज़ तमाम ख़जाने फरमाया तो ये तो कलील हैं ये अल्लाह की बारगाह में इनकी कोई वक्त नहीं है ये बिल्कुल थोड़े से हैं और फरमाया कि ये दुनिया की मत जो है ये गुरूर है ये रूर है यानी गुरूर का सौदा है ग़रूर का सामान है इससे भी दुनिया की हकीकत वाज हो रही है फिर कई फ़तः फ़ुन नबी वकूँ तुम अमवातुम सयमीतकुम सही तो फ़रमाता कि तुम कैसे अल्लाह का इनकार कर सकते हो जबकि तुम मौजूद नहीं थे तुम मुरदा थे यानी तुम अदम में थे तो तुम्हें अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी कई फ़तः फरू बिल्ला, तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो वकुन तुम अमवात तुम तो अमवात की सूरत में थे अदम में थे तुम्हारी कोई मौजूदगी नहीं थी तुम्हारा कोई वजूद नहीं था फाह याकुम फिर उसने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी और सुमयुम्मीत कम फिर वह तुम्हें मौत अता फ़रमाएगा सुम मूहुम फिर रोजे माशर और कब्र में भी अल्लाह के नेक बंदे ज़िंदा होते हैं उलियाल्लाहदाय की राम अम्बियाई की राम और फरमाया कि तुम्हें जब मौत दोबारा दी जाएगी तो फिर सुम मूहुम वही तुम्हें दोबारा ज़िंदगी भी देगा सुम्मा मही तो जाऊन फिर तुम्हें अल्लाह की बारगाह की तरफ लौट कर जाना है तो पता चलता है कि ज़िंदगी चंद रोज़ा ज़िंदगी और चंद लम्हों की ज़िंदगी हती के एक सांस की ज़िंदगी ये ज़िंदगी की हकीक़त है और इस ज़िंदगी का मकसद ज़िंदगी आमद बराए बंदगी ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, यानी ज़िंदगी का मकसद जो है वो अल्लाह की इबादत है अल्लाह को राज़ी करना अल्लाह की मारफत और पहचान हासिल करना अपनी अपने आप को पहचानना वफ़ी अनफुसिकुम सफ़ालत बसरून अल्लाह फरमाता कि तुम अपने अंदर भी अपने नफूस में अपने नफ्स में अपनी ज़िंदगी में अपनी जान में अपने वजूद पर भी ग़ौर करो वफी अपने अनफुस में अपने नफूस में अपनी ज़िंदगी पर गौर करो अफ़ालत बसरुन क्या तुम ग़ौर नहीं करते क्या तुम अपनी जान को अपनी ज़िंदगी को नहीं देखते इस पर बसरत और बसारत हासिल नहीं करते कि ये ज़िंदगी चंद रोज़ा तुम्हें मिली क्या तुम खुद ब खुद वजूद में आ गए नहीं अल्लाह ने तुम्हें यह ज़िंदगी बख्शी ये, ये वजूद बख्शा और तुम कदम से वजूद में आए फिर इस ज़िंदगी से दोबारा मौत की तरफ़ जाओगे कुल्लू नफ्सिन सा मौत हर नफ्स ने हर जान ने हर जी रूह ने मौत का ज़ायक़ा चखना है फिर तुम्हें ज़िंदगी दी जाएगी और फिर अल्लाह की बारगाह में पलट पलटोगे जो कि जजा का दिन है इंसाफ का दिन है अल्लाह ताला किसी पर ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं फ़रमाएगा हर एक को उसके अमाल का बदला मिल जाएगा फमैयाम मफ़ा ज़र्र खै आमल मर्रिन शरिया रिस ने ज़रा बराबर भी खैर का अमल नक काम भलाई का अमल किया होगा वह भी उसे देख लेगा उसका बदला उसे मिलेगा और जिसने ज़र्र बराबर शर का अमल किया होगा बुराई का अमल किया होगा गुनाह का, का काम किया होगा उसका भी बदला उसे मिल जाएगा तो इंसान पर चाहे वो मुस्लिम है गैर मुस्लिम है किसी किस्म का कोई जुल्म नहीं किया जाएगा उस इंसाफ़ के दिन के मालिक ही दिन जिस इंसाफ के दिन का मालिक खुद अल्लाह रबुल्ज़त है तो अब जिंदगी की हकीकत हमारे सामने है कोई ये नहीं कह सकता कि मैं मेरी इतनी ज़िंदगी है कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी चालीस साल ज़िंदगी है पचास साल ज़िंदगी है साठ साल ज़िंदगी है सत्तर साल ज़िंदगी है अस्सी साल एक लम्हे का भी नहीं पता और फिर कोई गारंटी नहीं है ज़िंदगी की कब मौत आ जाए लेकिन वो चीज़ जिसकी कोई गारंटी भी नहीं है कोई पता भी नहीं है कि मौत किसी भी वक्त आ सकती है और ज़िंदगी बिल्कुल बेवक़ात है लेकिन उस ज़िंदगी के लिए हम ऐसे इस ज़िंदगी को गुजार रहे हैं जैसे हमने यहाँ हज़ारों बरस सैकड़ों बरस जीना है और मरना ही नहीं है और फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर ही नहीं होना यानी अल्लाह को भी भूल गए अल्लाह के अहकाम को भूल गए अल्लाह के नबी सली व्मा को भूल गए उनकी तलीमत को भूल गए इस्लाम की तलीमत को भूल गए और दिल ऐसा इस दुनिया में लगा लिया कि अपनी मौत को भूल गए रोज़ आख़रत को भूल गए और फिर जो आमाल साल हाथ है उन से दूर हो गए और फिर अल्लाह के गज़ब का शिकार हो गए इस दुनिया में भी और बिल बिलखसूस कब्र में और फिर आखिरत में अगर हमने अपनी मौत को भुला दिया अल्लाह को भुल, भुला दिया अल्लाह पर काबिल ईमान ना रहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि राम ने जो इस्लाम की तलीमत पहुँचाई उनसे दूर हो गए और बुराई शर गुनाह और रूहानी बीमारियों का शिकार होते चले गए तनजली का शिकार हो गया असल ये हमारी तनजली है रहमा ने भी जैसे कहा था जवाल बंद मोमिन का बेजरी से नहीं कि बंद मोमिन की तनली जवाल इस पर मसाइब और आफतों का आना ये मालो दौलत की कमी की वजह से नहीं है मालो दौलत के ना होने की वजह से नहीं है बल्कि ये ईमान की कमी की वजह से या माल साल की कमी की वजह से अल्लाह पर जो हमारा यकीन मुतजल हो गया और फिर इस्लाम की दीन की तलीमत से दूर होते गए इस वजह से मुसलमान जवाल का शिकार हो गए हैं ज़ाहरी मालो दौलत और इन चीज़ों की कमी या ना होने की वजह से कभी मुसलमानों पर जवाल नहीं आया बल्कि नबी रलील का ज़ाहिर अहद मुबारक किराम अलैहि मुरदवान जिसमें हाज़िर खिदमत हैं आके करीम सलील सल्लम के जानिसार और फिर साहब कराम मरदवान केहद खिलाफ़त खुलाफा राशिदी रदवा मजमाइन के हमारे असलाफ़ वो ऐसा दौर था कि बज़ाहिर कई कई दिनों तक फ़ाक़े होते थे खाने को कुछ नहीं मिलता था और पे दर पे गज़ावा सराया जंग मुहिम गैर मुसलमों के ख़िलाफ़ लड़ी जा रही हैं और बाज़ तो रोज़े गजवा बद्र जो है वो रोज़े के दिनों में पेश आई सबाई क्राम अक्सर रोज़े से हैं ऐसे ऐसे मामलत और आज की तरह की आसाइशें भी नहीं थी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी लग्जरीज़ भी नहीं थी और कीजिए कि खाना पीना भी नहीं है फाकों से है रोज़ों से हैं सबाई क्राम और जंगे लड़ रहे हैं और गर्मी तपिश लू का मौसम है आजमाइश दर आजमाइश है तो ऐसे आलम में अल्लाह ने कि क्राम अली मरदुवान को इन मुसलमानों को हर हर मैदान में फ़तो नुसरत और कामयाबियाँ ताफ़रमाईं बज़ाहिर मालो दौलत भी पास नहीं है बज़ाहिर सामान हर्ब भी कम है इसल भी कम है लेकिन ईमान की ताकत है तो उस ईमान की ताकत की बदौलत साहब किराम अली मरदवान ने पूरी दुनिया में इस्लाम के झंडे गाड़ दिए लेकिन आज मुसलमान अगरचे उन सहबाई क्राम अली मुरीदवान की ज़ाहरी तादाद से बढ़ कर हैं सबई कराम मुरीदवान कमो बेश सवा लाख या डेढ़ लाख कमो बेश बनते हैं इनकी तादाद और उन्होंने दुनिया के हर हर ख़ते में वो पहुँचे हैं अल्लाह ने ततु नुसरा ता फरमाई छतीस लाख और इससे भी फिर बढ़ कर लाखों मुरबा किलोमीटर ज़मीन पर उस वक्त के तमाम उन बर आज़मु उन ख़त्ों तक जहाँ आबादी मौजूद थी इंसानियत मौजूद थी अल्लाह तहब कर किराम अल मदवान को तबा तबिन इज़ाम तबा तब इन इज़ाम मरुदवान को सईद नमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फिर सलान ईबी रामा यानी सा नबी करीम सली वम आप के मानने वालों आपके साहब किराम और फिर साहब कराम के नक्श पर चलने वालों को यूँ फ़त व नसरत ताफ़रमाई बज़ाहिर मालो दौलत नहीं है वो उस तरह फ्रावानी नहीं है आज की तरह की सहूलतें नहीं हैं लेकिन ईमान कामिल था और अल्लाह ने का ये वादा है और वादा सभी के लिए उस वक्त भी था आज भी है क़्यामत क्या, ईमान वालों के लिए कि वला तहन वला तहज़नू सुस्ती काहली मत दिखाओ गमगीन ना हो जाओ और तुम इन तुम्लाम इनको मोमिन तुम ही गालिब हो गए फ़तः याब हो गए अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो बस बहसीत अमत मुसलिमा इजतमाही तौर पर हमारे ईमान कमज़ोर हो गए हम दीन से दूर हो गए और काहली सुस्ती का शिकार हो गए और मुख्तलिफ तरह के हीले बहाने और बस अपने ही पैदा किए हुए गमों का शिकार हो गए तो आज मुसलमान पूरी दुनिया में मगलूब हो चुके हैं हर हवाले से मगलूब हैं सियासी अस्करी माशी इकतदी अखलाक़ी हर हवाले से फ़लस्तान कश्मीर यमन शाम इराक़ अफगानिस्तान कहाँ कहाँ जुल्म का शिकार नहीं हो रहे नहीं हुए तो वजह सिर्फ ये कि दीन से दूर हो चुके और सिर्फ और सिर्फ दुनिया के मामलों में पड़ गए दुनिया की आसाइशें दुनिया की अयाशियाँ लग्जरीज़ फैसिलिटीज़ और आगे से आगे सिर्फ दुनिया की फ़िक्र है कि हमें दुनिया की हर हर चीज़ मिल जाए दीन की परवाह नहीं अल्लाह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की कोई परवाह नहीं इनफ़रादी तौर पर भी और इज्तमाही पर भी तो उम्म मुसलिमा जवाल का शिकार हो गई नबी रली व्मा की तो फरमीन मुबारक में यह भी मिलता है कि दुनिया में यूँ रहो जैसे कोई मुसाफिर रहता है कन फिर दुनिया का अन का ग़रीब उन सबील उन यानी यूँ रहो जैसे कोई एक अजनबी दुनिया में रहता है या जैसे एक मुसाफिर दुनिया में रहता है अजनबी और मुसाफिर जो हैं वो ज़्यादा ज़्यादा सफ़र सा, साथ लेकर नहीं चलते कि वो बोझ है कहाँ कहाँ उठाए फिरेंगे कहाँ कहाँ उसे संभालते रहेंगे तो बस दुनिया की यही हकीकत है और दुनिया से जनमुमिन व जन्नतकाफ़री कि मोमिन के लिए तो दुनिया क़ैद खाना है जन्नत के जन्नत ये है यानी आसाइशों की और अयाशियों की जगह है तो सिर्फ़ काफिरों के लिए है गैर मुसलिमों के लिए है इसी तरह और भी अदीसें मुबारक मिलती हैं नबी राहम सल वसम ने ख़ुद फ़ख्र को इख्तियार फरमाया आके करीम सल वम चाहते उहद पहाड़ को हुक्म देते वह सोना बन जाता अल्लाह ते तमाम इख्तियार फरमाए थे आपके आपका यह मुआजा कहलाता लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी पसंद से ख़्वाहिश से फ़्र को अपने लिए इख्तियार फरमाया अल अफ़्र फ़्री फ़ख्र को अपना फ़्र फरमाया और अपनी अहल बहत किराम अपनी औलाद औलादार के लिए भी ये दुआ मांगी कि अल्लाह इन्हें भी जो ज़रूरी रिज़्क़ है वो बहम पहुँचा यानी जो इनके लिए जितना ज़रूरी है ये किसी की मोह, किसी के मोहताज ना हो हसब ज़रूरत बहुत ज़्यादा रिस्क की ज़रूरत नहीं है बस जो ज़रूरत का रिस्क है वो अता फरमा और यही हमें कुरान हदीस की तलीमत से मिलता है कि इस दुनिया में जब हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो बिल्कुल जायज़ हालात जराये से तिजारत कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप तजारत कर सकते हैं बिजनेस करें सब कुछ उसकी इजाज़त है मना भी नहीं लेकिन अबू बुबकर सिद्दीक सईद आब्दुलरम बिन सईदा उस्मान ज़ुलन और दीघर साहब किराम राम रिदवान मजमैन की तरह फिर वो जो नफ़ा हासिल हो वो अल्लाह के दीन पर उसको लगाया जाए तो फिर अपनी ज़ात पर भी लगाएँ अपने बीवी बच्चों के लिए बिल्कुल नए जायज़ हलाल जराय से कमाया जा सकता है लेकिन फिर उसे इस मुसलमानों की फ़लाह के लिए इस्लाम के की तरक्की के लिए भी उसे इस्तेमाल किया जाए तो बिल्कुल ये भी इसमें कहीं ममानियत नहीं है लेकिन फिर भी आका करीम अलैहि वसल्लम का अपना यह मुबारक अमल था कि आपने फक्र को इख्तियार फरमाया तो इसी फ़क्र को इख्तियार करने वाले अक्सर सहाबई क्राम अली मुर्दवान भी थे सैदु नबु ज़रगफ़ारी रदी दीगर कई सहब कराम मुर्दवान का जिक्र मिलता है सैदु नबु बर्ज़ा असली रदी और साहब क़राम कई अक्सर सहबराम ने, ने यूँ ही फख्र इख्तियार फरमाया सुफ़ा का मामला यही था फ़्र इख्तियार किए हुए थे जो आ, कोई हदिया तोहफ़ा नबी करीम अलैहि वम की बारगाह में ये कोई दावत आती तो उससे खाने पीने का इंतज़ाम होता बात वाकाा कशी होती बाज़त एक एक दो दो चंद एक खजूरें खा कर गुजारा होता ये सब सुफा जो हैं ये भी फुकारा के साफ में शामिल थे कुरान मज़ी फ़ुरा हमीद में बाकायदा जिक्र मौजूद है महाजिर साहब कराम बिलखसूस सुफा वाले लिलफु़ारा अदीनशरूफ़ी सभी ला सतना दरबंद फ़िलौद ये सारा शुर में मौजूद है कि जो माल फ़ै वग़ैरह है उस में से जो फ़ुरा सहब मरिदवान हैं जो महाजिर साहब क्राम जिन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह के रास्ते में छोड़ दिया अब फ़ीर से मुराद वो आम फकीर भिकारी नहीं मांगने वाला वो नहीं बल्कि फकीर से मुराद ये है जो अल्लाह के दर का फकीर है यानी जो मिल जाए तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है ना मिले तो फिर भी सब्र और शुक्र करता है अल्लाह का शिकवा और शिकायत नहीं करता किसी के सामने दस से सवाल दराज नहीं करता तो ये सिलसिला चलता रहा साहब किराम तबईन एज़ाम तबा तबईन एज़ाम लमालियाल्हरफ़ा फ़ुका में भी अक्सर अल्लाह के दर के फ़ीर रहे इसी तरह चलते चलते ये सिलसिला बर सग़ीर पाक हिंद में पहुँचा तो सिलसिला चश्तिया के अजीम बुजुर्ग पेशवा हज़रत ख्वाजा सैयद सैद चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा यहाँ तशरीफ़ लाए तो आपसे कई लोगों ने फ्यूज़ बरकात हासिल किए बड़े बड़े ने मशाइख़ ने आमतुल मुस्लिमीन ने हत्ता के लाखों हिंदू जो हैं वो आपके तवजहत आपकी तबलीग आपकी नज़र से वो इस्लाम उन्होंने कबूल किया इस ख़त् बर पाक व हिंद में जहाँ अरब ताजर आए जहाँ साहबे कि राम चंद एक और फिर बिलखसूस बरन तब आबरीन निज़ाम आए जहाँ अलेत कराम में से उनकी उलाद पाक में से कुछ हस्तियाँ आईं वहीं अलिया कामिली सालिंद जिनमें से शादात भी हैं गैर शादात भी ये भी इस ख़ते में आए इन्होंने ही इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुँचाया अपने अखलाक किरदार से अपने पंदो नसाह अपने वाजो नसीहत से कुरान हदीस का दर्स दिया लोगों तक इस्लाम का अमन व सलामती का पैगाम पहुँचाया तो अक्सर लोगों ने इस खत्े के रहने वाले गैर मुसलिमों ने इस्लाम को कबूल किया तो हजद ख्वाजा सूफ़ी अमीदुद्दीन नागौरी का जब हम जिक्र करते हैं तो आप भी ख्वाजा मीनुद्दीन चश्ती अजमेर अली रहम के फैज़ याफ्तान में शामिल हैं आपका नाम जो है ये हमीदुद्दीन है अलकाबाद में सुल्तान तारकिन कुत आपकी अबू अहमद है और सूफ़ी हमीदुद्दीन नागोरी या सूफ़ी सईद नागोरी इस नाम से आप मरूफ़ हैं आपका सिलसिला नसब अशर मुबरिनी वो दस साहब के राम अली मुरवान जिन्हें नबी करीम सली व्मा ने जन्नत की बशारत इस दुनिया में नाम ले कर इकट्ठे दी उनमें से एक सहाबी सईद सईद बिन जैद रज़ी इनके साथ आपका महसिल तैनी की औलाद पाक में से हैं विलदत बदत पाँच सौ नबे हिजरी जिक्र हुई और शेख मुहक्क शेख अब्दुलकम्द जैलवी रहा अखबार में आपकी विलादत का पाँच सौ सत्तर हिजरी ये जिक्र किया और विशाल छः सौ तिहत्तर हिजरी का जिक्र किया और ये भी मौजूद है कि सुल्तान शाबुद्दीन मोहम्मद गौरी रिन जिनके नाम पर आज पाकिस्तान का एक बड़ा मिसाइल गौरी मिसाइल भी हैं जो ख़ुद सुल्तान जो सुल्तान शाबुद्दीन मोहम्मद गौरी रहमा खाजा मीनुन शजमेर अली रहमा केदतमंद भी थे तो ये ग्यारह सौ बानवे ईस्वी में इन्होंने प्रथ्वीराज चौरा चौहान को शिकस्त दी और दहली पर अपनी फ़तह का परचम लहराया तो इनकी इस फतह के बाद मुस्लिम घरानों में जो सबसे पहले बच्चे की पैदाइश हुई वो सूफ़ी हमदुद्दीन नगौरी माही थे आपकी इब्तदाई तालीम अपने वालद गिरामी उन्हीं के जेर सरपरस्ती हुई फिर बाद में अपने दौर के बड़े आलिम फ़ीर मौलाना शमसुद्दीन हलवाई इनकी शगिरदी आपने इख्तियार की इनसे ज़ाहरी भी और बिलखसूस फिर शरीय के साथ साथ तरीक़त में भी कमाल दर्जा हासिल किया और फिर इन मौलाना शमसुद्दीन हलवाई के अलावा शेख हमीदुद्दीन खोई और हजरत खाजमियों ने चिश्ती अजमेर इन हस्तियों से भी बहुत ज़्यादा इस्तादा किया फ़ायदा हासिल किया फीज़ व बरकत पाए आप ज़ाहिर हुसनों जमाल से भी माले थे लोग आपसे बड़ी महब्बत रखते थे और ज़ाहरी बातनी इन तमाम खूबियों की बिना पर लोग आपसे मोहब्बत करते हजरत ख्वाजादी जब आप पर नज़र पड़ी तो फिर अल्लाह से ये दुआ मांगी कि अल्लाह ये भी तेरा ज़िक्र करने वाले तेरी याद करने वालों में शामिल हो जाए इतना खूबसूरत नौजवान है हजरत तो ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी फिर हजरत सैयद ख्वाजा अली रहा के बयात भी हुए और आपसे फ्यूज़ वरकत पाए कई साल तक सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौर अलरमा सुल्तान हिंद हजरत ख्वाजा मीनुद्दीन जशतमर इलर की बात का रहे आज़ाद मुज़ाहिदात जिक्र अजकार तस्बी तहली सभी मामलात करते रहे और तस्वफ़ तरीक़त इल्मसान तजिया बातिन ये हासिल किया और एक वक्त आया कि हजरत ख्वाजा जमेर <perfektionic> ने आपको खिलाफत से नवाजा और सूफी हमीदुद्दीन नगोरी ये हजरत ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चशी अजमेरी अली रहम के उन खुलाफ़ार मुरीदीन में शामिल हैं जिनसे ख्वाजा अजमेरी अली रहम बहुत ज़्यादा महबत फरमाया करते थे और हजरत ख्वाजा सैद खुतब्दीन बख्तियार काकी अली रहमा के बाद दूसरे नंबर पर ये हैं सूफी सूफी हमीदुद्दीन नागोरी रहम कि जिनके साथ हजरत सुल्तान हिंद ख्वाजा अजमेर अली रहमा का बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी आ, बहुत ज़्यादा लगाव था और जिन्हें बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते थे जिन पर नवाजिशें ख्वाजा अजमेर अली रहम की बहुत ज़्यादा थीं हती कि हजरत ख्वाजा मीनुलद्दीन शती अजमेर अहम ने ख़ुद इन्हें सुल्तान तारकिन और सूफ़ी के अल्बाब ये अता फ़रमाए तो ख्वाजा ग़रीब नवाज़ सुल्तान हिंद हजरत ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमा ने आपको खिलाफत से भी नवाजा और खिलाफत से नवाजने के बाद ख्वाजा कुतब्दीन बख्तियार काकी रहम को दिल्ली की रूहानी विलायत अता फरमाई और हजरत ख्वाजा सूफी हमीदुद्दीन नागोरी रहमा को नागौर की विलायत जो है ये अता फरमाई ये राजस्थान का इलाका इसी वजह से आप नागौरी ही कहलाते हैं अब हजरत ख्वाजा सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अजमेर रहमा हुजूर ग़रीब नवाज़ अली रहमा आप का ये वाक़या बड़ा मशहूर है कि महफिल जमी हुई है मुरीदीन मुतवसलिन मुताकिदीन हाजरीन मौजूद हैं तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमा ने एक खुशी की हालत में हाज़रीन से पूछा और उन्हें कहा कि जो कुछ तुम मांगना चाहते हो मांगो क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ़ से दुआओं की कबूलियत के, के दरवाज़े खुले हुए हैं तो किसी ने दुनिया के लिए तलब की दुनिया के लिए दुआ मांगी किसी ने आख़रत के लिए दुआ मांगी जब सूफ मेदुद्दीन नागोरी रहमा इनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं क्या मांगते हैं तो इन्होंने अर्ज़ किया अपने मुर्शद ग्रामी की बारगाह में कि बंदे की कोई ख्वाहिश नहीं है जो मौला चाहे जो अल्लाह चाहे वही मैं चाहता हूँ इसी तरह फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा उनसे पूछा गया तो उन्होंने अर्ज़ किया कि बंदे को कुछ इख्तियार नहीं जो आपका हुक्म हो जो मुर्शिद की रामी का हुक्म हो मैं उसी को इख्तियार करूँगा और मुर्शिद का हुक्म जो है मुर्शिद जो हैं वो फ़नाफिल रसूल फ़नाफिल्ल होते हैं वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ही के केकाम की पैरवी करने वाले होते हैं तो अब खा खा मोहीदुद्दीन ची थी अली रहम खावाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहम से भी बहुत खुश हुए कि ये फ़नाफ़ी शेख और अपने शेख की रज़ा के तलबगार हैं और हज़रत ख्वाजा सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमा से भी बड़े ख़ुश हुए और इनके लिए ये लक़ब सुल्तान तारकिन शाह फरमाया कि ये तो तरक दुनिया कर वाले हैं इन्हें दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए इन्हें अपने मौला से सब चाहिए मौला की ऱा चाहिए बस तो इस मौका पर सुल्तान तारकिन का लक़ब हज़रत ख़्वाजा मौनद्दीन चश्तीजमेर अलरमा ने इनको अता फरमाया बहरहाल पूरी ज़िंदगी इबादत रियाजत मुजाहिदात मुशाहिदात में इनकी गुज़री हत आपके हवाले से मिलता है कि मुसलसल चालीस बरस तक बे आबोग गया जंगलती सरज़मी में इबादत और रियाजत और नफ्सकशी में मसरूफ़ रहे कि इस सारे चालीस साल की उम्र में या पूरी उम्र में आपने सिर्फ़ एक मन जो तनावल फरमाए यानी एक मन जो इन चालीस सालों में या पूरी उम्र में आपने खाए और अपना सारा असासा अपनी ज़मीन सब कुछ वो रबा मसाकिन उन में तकसीम कर दी सिर्फ़ एक बेगा ज़मीन जो थी वो वो अपने लिए रखी उसी को काश करते थे उसी की काश करके के जो अजनास गंदम दीगर जो भी हासिल होती वही अहल आयाल के लिए की किफालत के लिए थी खाने के लिए थी तो बहरहाल आपके ये सारी जो तरबियत थी आपके जो कमालात थे ये हजरत ख्वाजा सैयद चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा उन्हीं के फ्यूज़ वरक़ात की बदौलत थे फिर आप आलिम दीन भी थे आलिम बातन भी थी अरबी फारसी और हिंदी तीनों जबा, जबानों पर आपको कामिल अबूर हासिल था मतलब बहुत वसी था और फिर कुरान हमीद की मुख्तलिफ तफासिर अदीस मुबारका और मुस्तंद मशाइ की जो तसानीफ और तहरीरात थी वो आपके ज़ेर मुताल रहती थी आप उन्हें पढ़ते रहते थे और ख़ुद भी कई मोतबर और मुस्ंद किताबें आपने तसनीफ़ कि जो तस्वसलूक शरीत व तरीक़त तफसर हदीस फ़िक्रमफ़राइज इल्म मीरास इस हवाले से मौजूद हैं आपकी तसानीफ में रिसात तरीक़त रिसाला चार मंजिल इश्क़ रिसाला आयतुल आयातलकुरान रिसाला सवाल जवाब रसालतलूक फ़तावा हमीदिया मलफूज़ अनवार और फारसी ज़बान में दीवान हमीद के नाम से यह आपका शेरी मजमू भी था ये आपने लिखे और इनमें से चंद किताबें नायाब हैं नहीं मिलती चंद किताबें मिलती भी हैं इससे ये पता चलता फ़तवा हमीदिया फ़तवा भी देने वाले थे और कुरान हदीस के हवाले से भी लिखने वाले थे तस्वुफ़ तरीक़त के हवाले से लिखने वाले और फिर शायरी भी करने वाले थे तो ये आपकी शख्सियत के चंद नुमायाँ पहलू हैं बिल आखिर रबीस्सानी के आखिर में ही आपका विसाल हुआ और नागौर राजस्थान में आपका मज़ार मुबारक आज भी मौजूद है लोग वहाँ हाज़िर होते हैं फिरोज़ वर्कात पाते हैं ताला हमें भी इनिया कामिल साल की महब्बत और इनके नक्श कदम पर चलने वाला बनाए कि जो नबी करीम सलील वसलम सब अ बेहत कराम और तबिन तबा ताबिन इज़ामा फ़ुहलियालहफ़ा आइम्मा आया फ़िक आय तरीक़द उनके नक्श कदम पर चलने वाले थे आमीन और अल्लाह तन के तदक़्क से आलम इस्लाम को सरबुलंदरमाए मुझाना 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 जी नाजिन एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है आपका मीज़बान मोहम्मद लकमान रजा नाजिन इस दौरान हमें जॉइन किया है माहम साहिब हैं फैसल आबाद से कहती हैं कि इनके वाल साहिब की तबीयत ख़राब रहती है दिल की धड़कन बढ़ जाती है और कहती हैं कि किसी ने बताया है कि उन पर काला जादू हुआ है कोई रूहानी इलाज बता दें चले मैं अर्ज़ करता हूँ ऐसे ही हर एक के कहने पर वहम में मुब्तला नहीं हो जाना चाहिए बहर हाल आप अपने तहफुज के लिए बेहतरी के लिए सूरतलबाक़ारा रोज़ाना घर में पढ़ी जाए सुबह के वक्त बिलखसूस और अगर वाल साहब हैं मौजूद घर में मतलब तो उन्हें मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी सुनाई जा सकती है खामोशी और तवज्जो के साथ सुनते रहें हैंड फ्री लगा के सुन लें ये सभी घर में पूरे घर में भी तिलावत हो जाए और सुनी भी जाए इंशाल्लाह इससे भी बरकतें होंगी और जिन्नात सेब जादू ये मामला दूर हो जाएंगे हदीस से मुबारकम इस हवाले से मिलता है दूसरा सुबह और शाम बिलखसूस उसके अलावा भी कर सकते हैं लेकिन सुबह और शाम लाजमी फातिहा सूरह फातिहा आयतुल कुर्सी और चारों कुल तीन तीन मरतबा पढ़ें अवला आखिर तीन तीन मतबाद रूद पाक पढ़ें हाथों पर भूख मार कर दम करके पूरे जिसम पर फैल लें और कुर्सी कसरत से पढ़ते रहें सलाम नूहिन फिल इसको कसरत से पढ़ें ये दो तीन आप औरदो वजायफ़ अपने मामूल का हिस्सा बनाइए पाक साफ रहें नमाज़ की पाबंदी करें इन शह अल्लाह तहतरी फरमा देगा मोहम्मद अशरफ शाही में से आ, कहते हैं कि मेरा बेटा पाँच साल का है बहुत ज़िद्दी है बात नहीं मानता रोता है बात बात पर और पढ़ाई की तरफ़ बिल्कुल ध्यान नहीं देता आ, कोई वजीफ़ा बता दें और इनके अलावा रुकैया साहिबा माना वाले से इन्होंने भी कहा कि इनका बेटा सोलह साल का है, ज़िद्दी है बात नहीं मानता गुस्से में भूल जाता है कि माँ सामने है या बाप और कहते हैं कि कोई वजीफ़ा बता दें नाम कहा कि उसका सकलैन है क्या नाम की वजह से ऐसा है जी नाम में कोई ऐसा मसाला नहीं है आप दोनों के लिए और दीगर भी उम्मत मुसलिमा के लिए अपनी औलाद के लिए जो नाफरमान हों या ग़ुस्से में हों या पढ़ाई की तरफ दिल नहीं लगता बदतमीज़ी करते हों सभी के लिए दो तीन वजाइफ़ हैं समात कीजिए और इस परमल कीजिए जब बच्चा सोया हुआ हो चाहे पाँच साल का चाहे बीस साल का है अगर वो बदतमीज़ है नाफरमान है तो उसके माथे पर दाया हाथ रख कर आसमान की तरफ सर उठाकर या शहीद या शहीद इक्कीस मरतबा पढ़ें दूसरा बच्चों को सुबह और शाम इसके अलावा भी लेकिन बिलखसू सुबह शाम पानी पर या मुतकबिरु या मुतकबर ग्यारह मरतबा दम करके देते रहें खाने पीने की चीज़ों पर भी दम कर सकते हैं वैसे भी दम कर सकते हैं इन शाह तो बच्चे जो हैं फरमाबरदार होंगे असल में हमें वालदे को भी आपको भी मुझे भी हमें अब अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार होना होगा बनना होगा जब हम अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार बन जाएंगे तो इनशाला बच्चे भी हमारी बात मानेंगे वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी फरमाबरदार बनेंगे हमारे भी फरमाबरदार बनेंगे और बच्चों को भी सबसे पहले अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाबरदार बनाएं ताबे फ़रमान बनाएं इंशाल्लाह फिर वो आपकी भी बात मानेंगे ये वजाइफ़ भी कीजिए और अल्लाह से दुआ भी कीजिए वालदान की दुआ रो कर गिर गिड़ा कर अल्लाह के नबी के वसीले से जब आप मांगेंगे दुआ तो वालदान की दुआ बच्चों के हक़ में औलाद के हक़ में कबूल होती हैं एक और हैं ये कहते हैं फहद साहिब हैं कहते हैं मैं बाहर जाना चाहता हूँ कोई सबब नहीं बन रहा दुआ कर दें एक तो या मसब्बी बल आप पढ़ते रहा करें नमाज़ पढ़ें अल्लाह से दुआ मांगें और दूसरा आप दरूद तुनत जीना इसको कसरत से पढ़ें अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आपके किस्मत में है तो ज़रूर आप बाहर जा सकते हैं अल्लाह ही इसबा पैदा फरमाने वाला है एक और लिसनर है ना मोहम्मद बिलाल साहिब गोहर बलोच साहिब कहते हैं सलाम जी वालेकाम कहते हैं ज़रूर क्या हाल है आपका और प्रोग्राम बहुत अच्छा है शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का अलहदुल्ल आपका शुक्रिया तमाम विवज़ का शुक्रिया आप मोहब्बतों से नवाजते हैं उस्मान जफ़र साहिब हैं कहते हैं अंकल जी सदा सलामत रहें और इन्होंने ख्वाब का ज़िक्र किया है इन ताला बेहतरी फरमाएगा आप सदका खैराल लाजमी कीजिए अपने हसब अल्लाह के रास्ते में इन श्रह तहतरी फरमा देगा इस ख्वाब से घबराने की ज़रूरत नहीं है हाँ थोड़ा सा बस आप तमाम मामलों में मोहतात रहें दोस्त रिश्तेदार बात गुफ्तु करते हुए ध्यान रखिए अपनी हर बात हर एक से दिल की बात शेयर ना कीजिए निमरा अंसारी साहिबा कहती है, भाई साइम नाम का माना बता दें और ये नाम किसी नबी या अल्लाह के वली का है या किसी साहबी का जी मैं अर्ज करता हूँ साइम का माना रोज़ा रखने वाला बिल्कुल ये नाम रखा जा सकता है मना नहीं है ठीक है अच्छा नाम है और मेरे इस इल्म के मुताबिक किसी अल्लाह के नबी का तो जिनका जिक्र हुआ कुरान और हदीस में उनका नाम नहीं है इसी तरह सहाबी का भी कोई हो तो मेरे नाक़ इल्म में नहीं और अल्लाह के वली भी ख़ास जो हैं उनके हवाले से मेरे इल्म में नहीं है बाकी यह नाम रखा जा सकता है। कोई हरज नहीं है मोहम्मद साइम रख लें सईम अहमद लें सुंदर साहिब मैं फैसला वहाँ से कहती हूँ भाई मैंने दो दिन पहले ख्वाब देखा और आपका ख्वाब की तबीर में अर्ज़ कर देता हूँ इन ने तहा तो आपको कोई ना कोई ख़ुशी मिलेगी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपका ख्वाब अच्छा है अल्लाह ताला बेहतरी फरमाएगा शहर बानो है या शेर बानो है शहर शहर बानो फैसलाबाद बात से ही कहती हैं कि गुरदे और पिते की पथरी के लिए कोई वजीफ़ा बता दें जिसके लिए शूरा बा़ारा पहला पारा इसकी आयत मुबारक चौहत्तर है कसत कसतूब को जाली का फही हिजारत वशद वकबा ये आयत मुबारक इकतालीस मरतबा पानी पर दम करके वाद में दरुद पाक पढ़ कर ये पानी पीते रहें अपने ऊपर भी दम कर लें इन शाल शिफ़ा अता फरमाएगा और इलाज भी ज़रूरी होता है इलाज भी करवाइए वो भी सुनत नबी है नासिर साहिबन जंग से कहते हैं फ़्र या फ़कीर के बारे में बता दें कि उसका मकाम क्या है जी आज प्रोग्राम के शुरू में इसी पर गुफगू हुई है बाकी मकाम यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी आपने फ़्र को इख्तियार फरमाया और बाद रवायात में ये मिलता है कि जो फ़कीर होंगे अल्लाह के दर के फ़कीर यानी अल्लाह की तरफ से जो मिल गया उसी पर परायत करने वाले ज़्यादा लालच ना रखने वाले और ज़्यादा दुनिया कि माल और दौलत की हिरस न रखने वाले इनके बारे में कि दूसरे लोगों से दूसरे मुसलमानों से पाँच सौ साल पहले जन्नत में जाएंगे वजह यह है कि इनके पास माल और दौलत नहीं होगा तो जल्दी इनका हिसाब हो जाएगा जन्नत में चले जाएँगे दीगर लोग जितना माल जितनी नियमतें अल्लाह की तरफ से मिली होंगी वो उतनी उनकी सवाल जवाब और उनकी बाज़ पुरश होगी तो उतना टाइम उसमें लगेगा तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी है तो फिर थोड़ा मकाम व मरतबा है ये और अदीस मुबारक में ये भी मिलता है जो मुस्तगनी हो गनी हो गोशा नशीन हो उस हवाले से मिलता है उसको अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ फरमाई है पसंद किया गया यानी जो अल्लाह के दिए हुए थो ये भी अदीस मुबारक में थोड़े पर राज़ी हो जाए अल्लाह ताला उसके थोड़े अमल पर राजी हो जाता है तो ये कनात पसंदी और फ़क्र की इतनी बरकतें हैं इनके अलावा यासीन कादरी साहिब हैं इन्होंने हमें ज्वाइन किया है और कहते हैं कि किताब शफ़ा से ख़ून की कमी का वज़ीफ़ा बताया था दोबारा बता दीजिए फिल आप फ़िलहाल मैं ये अर्ज़ करता हूँ आप आ, या सलामू या सलामूँ इसकी कसरत कीजिए अल्लाह ताला बेहतरी फरमाएगा और दरूद पाक की कसरत कीजिए ये दो बहुत खूबसूरत वजीफ़े हैं हर किस्म की सेहत सलामती के लिए बेहतरी के लिए फैसल साहिब है फैसल आबाद से कहते हैं कि दुम्बा बकरा गाय इनकी उजरी खाना हलाल है यह हराम जी ये मख्तल ही मसाला है यानी इसमें इख्तलाफ है उलामाँ ये भी कहते हैं कि मकर तीमी है हराम के करीब हाँ आ, दूस, दूसरी तरफ उलामा ने यह कहा कि अगर मुकम्मल तौर पर इसको सही तरीके से आ, साफ कर लिया जाए उबाल कर और वो जो आलाइशें हैं गंदगी है वो मुकम्मल साफ़ कर ली जाए तो फिर खाया भी जा सकता है तो अब फिर आगे मुख्तलि मिजाज भी होते हैं बाज लोग बिल्कुल नहीं खाते बाज़ पसंद करते हैं तो बहरहाल अगर कोई खाना चाहता है तो मुकम्मल उसके आइशें वगैरह मुकम्मल साफ़ कर ली जाएँ आलहदा कर ली जाएँ तो फिर इजाज़त उसके लिए हो सकती है और अगर कोई नहीं भी खाता तो फिर भी कोई ऐसा उसमें हरज नहीं है बहरहाल मुकम्मल हराम भी नहीं किसी ने लिखा मकर तहरीमी का ज़िक्र मिलता है तो इस हवाले से दोनों तरफ के अकवाल मौजूद हैं अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं जो तो बिल्कुल मुकम्मल उसे साफ़ करके फिर आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं गुंजाइश है इसकी नासिर साहिब जंग से कहते हैं कि भाई असल जी और कहते हैं कि भाई ख़ूबसूरत गुफ्तु है आपकी और फक्र के हवाले से इन्होंने ये दूसरी दफ़ा आपका मैसेज है चलें फक्र के हवाले से मैंने अर्ज़ कर दिया शुक्रिया आपका एक और इस कहते हैं कि भाई मेरा मेरे बाल बहुत उतर रहे हैं कोई वजीफ़ा जी या सलामों ही आप कसरत से पढ़ें और इसके साथ साथ इसका इलाज भी करवाया जा सकता है वो देसी इलाज भी हो सकता है वो मुख्तलिफ़ आइल्स भी हो सकते हैं और इसके अलावा भी तो आप इलाज भी ज़रूर कीजिए अल्लाह को याद भी कीजिए या सलामों पढ़ सकती हैं या शाफिल अमराज पढ़ सकते हैं एक और हमारे लिए इस तरह कहते हैं मुख्तलिकमान भाई बड़े अदब खलूस के साथ मेरा आपको सलाम हाफिज़ असद अब्दुल्ल कादरी चिश्ती साहिब जी वालेकुम सलाम ला बहुत शुक्रिया आपका आपकी मोहब्बतों का मोहम्मद अली साब में कहते हैं भाई आ, क्या हाल है सलाम जी वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है मैं कुछ दिन के बाद दोबारा सुन रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर शुक्रिया आपका तमाम व्यूअर्स लिसनर्स का शुक्रिया शहजाद साहिब में कहते हैं हसद से बचने का वजीफ़ा गालिबन हसद ही लिखा है या एसिड लिखा हुआ बहरल हसद है मेरे ख्याल में जी हसद से बचने का वजीफा इस्तफ़ार की कसरत करें अपने गुनाहों पर नज़र रखें इस्तफ़ार करते रहें अपनी हकीकत पर नज़र रखें हमारी हकीकत क्या है और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें हर हाल में अलहदुल्ल रबीआलमिनला माँ क्या नव माँ यकून ये पढ़ते रहें और जिसको भी देखें उसको मज़ीद दुआओं से नवाजें अपने लिए भी दुआएँ मांगें शफीक साहिब में मदीना टाउन फैसला से कहते हैं कि एक आदमी रमज़ान के सारे रोज़े रखता है नमाज़ें पढ़ता है लेकिन साल के दीगर महीनों में कह, कहता है कि सुबह की नमाज़ नहीं आ, पढ़ता उसके लिए कुछ हल बता दें जी बिल्कुल नमाज फ़र्ज़ है पढ़नी चाहिए आ, सुस्ती काहली नहीं करनी चाहिए अल्लाह को याद करना चाहिए मौत को जब हम याद रखेंगे अपनी आखिरत को कब्रिस्तान का चक्कर लगाया करें कब्रिस्तान हाजिर हुआ करें देखें कि, कैसे कैसे लोग अपने रिश्तेदारों को देखें कब्रिस्तान में जाएँ कि वो कैसे चले गए तो इन जब आखिरत की फ़िक्र होगी मौत की याद होगी अल्लाह का अल्लाह का डर दिल में होगा तो फिर खुद ब खुद दिल करेगा असल में हम खशिया तकवा का डर मौत और ज़िंदगी की बेसबाती से भूल चुके हैं इसी वजह से हम दुनिया के मामलों में पड़ जाते हैं और दीनी जो हमारे फ़रज़ हैं वाजिबात हैं उनसे दूर हो जाते हैं ताली मुझे आपको हम सबको इन मारूज़ात पर अमल पैरा होने की तोफ़ी खताफरमी आप तमाम का शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करते हैं प्रोग्राम याद इलाही में शामिल होते हैं अपने फीडबैक से मैं आगा करते हैं नाजिन प्रोग्राम याद इलाही का वह ख़त्म हो जाता है इन शुभ दोबारा आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम याद इलाही में अपने मेज़बान मोहम्मद लकमान रज़ा और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए अल्लाह निगहबान اللهم صل على سيدنا ومولانا